पत्नी ने 4 दिन पहले एक लड़की को जन्म दिया है, जिसे जितनी बार वो देखता उसका सिर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छिपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4-4 बच्चे पहले से ही है और अब ये आ गई। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। मंगलू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती, कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी मंगलू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है, मंगलू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलिशान कार आकर रुकी। उस कार से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिनका नाम सुदर्शन वर्मा था उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है? सुदर्शन की बातों को सुनकर मंगलू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, कन्या? हाँ, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन आप बता। अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है, वैसे क्या तुम मुझे वो कन्या दे सकते हो? ऐसा है कि मैं निसंतान हूँ और मैं तुम्हारी बेटी को गोद लेना चाहता हूँ। मंगलू थोड़ी देर फिर से सुदर्शन की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, किसी तरह अपने परिवार के 2 जन की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरी ये बेटी हुई है मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं, आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा, मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। मंगलू ने सुदर्शन को अपनी बेटी दे दी। सुदर्शन ने बच्ची को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी, सुदर्शन ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्ची को गोद में उठाया और नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ा हो गया। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथ से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपने बेटे के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर सुदर्शन ने उस छोटी सी बच्ची को पुल के ऊपर से नदी में फेंक दिया। सुदर्शन एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में जो कहते थे वो हो जाता, उनका कहा कभी नहीं बदलता। कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने इकलौते बेटे श्याम सुंदर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? मेरे इकलौते बेटे का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर की बेटी से होगा? सुदर्शन ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़की को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे मंगलू की बेटी आ गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस लड़की को। दूसरी ओर वो छोटी बच्ची पानी के बहाव के साथ बही जा रही थी। वहीं नदी के किनारे बसे एक गांव की मछुआरिन विमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रही उस बच्ची पर पड़ी, जो बेचारी लगातार रोई जा रही थी। अरे ये किसकी बच्ची है? किस निर्दयी ने इस बच्ची को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? विमला ने उस बच्ची को लहरों से निकाला। वो बेचारी बच्ची लगातार रोई जा रही थी। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना मथ्रो बेटी। मथ्रो? विमला के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था, उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। विमला ने उसका नाम मीरा रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। मीरा अब 21 साल की हो गई थी। इस बीच विमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी सुदर्शन का बेटा भी अब जवान हो गया था। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रहा था, तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। तूफान और बारिश का वेग और बढ़ता गया और उनकी नाव डूबने लगी। श्याम सुंदर पानी के बहाव में कुछ देर तो हाथ पांव मारता रहा, फिर थक कर बेहोश हो गया और लहरों के साथ बहने लगा। उधर दूसरी ओर मीरा उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रही थी। तभी उसे श्याम सुंदर पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। अरे ये कौन है, कौन बहता हुआ आ रहा है नदी के बहाव के साथ? मीरा तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गई और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। श्याम सुंदर को जब होश आया तो उसने खुद को मीरा के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? तब मीरा ने श्याम सुंदर को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर श्याम सुंदर का दिल मीरा के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। मीरा ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद श्याम सुंदर मीरा को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़की कौन है?
इसका कुल क्या है, खानदान क्या है? तब मीरा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन सुदर्शन ने अपना सिर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, ये भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपने बेटे के जीवन से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिहाड़ी मजदूर की बेटी को मैं कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद श्याम सुंदर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, तो सुदर्शन ने मीरा को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटी, अपने लिए नहीं लेकिन मेरे इकलौते बेटे के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगी जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरे बेटे के जीवन को खतरे में डाल दोगी? बोलो बेटी। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैंने अपने पुत्र की और तुम्हारी कुंडली देखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटी, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ तो। अपने पति की खातिर मीरा उस शहर को छोड़कर मायागंज नाम के दूसरे शहर में चली गई। कई दिन तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और एक दिन वो सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसके सामने सरजू मांझी नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा था, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटी और कहां से आई हो? तब मीरा ने उसे सारी बातें बताई। उसकी बात को सुनकर सरजू मांझी ने कहा, बेटी, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था तो उसे तुम कैसे बदल सकती हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटी। मीरा सरजू के साथ रहने लगी, वो उसी के साथ सांप का खेल दिखाती। यही नहीं, उसने सरजू से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटी, तुम में गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच सुदर्शन और श्याम सुंदर मायागंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद सुदर्शन और श्याम सुंदर एक कमरे में सोए हुए थे, तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने श्याम सुंदर को काट लिया। श्याम सुंदर दर्द से कराह उठा, पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है। आ, 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 आ। यह बोलते ही श्याम सुंदर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो अचेत हो गया। सुदर्शन ने अपने पुत्र की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई, तभी किसी ने उसे सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब सुदर्शन ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है, वहीं पर सरजू मांझी नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है, हमें श्याम सुंदर को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वे सभी सरजू के घर पहुँचे। सरजू को उसने सारी बातें बताई, तब सरजू ने कहा, देखिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरी बेटी आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने मीरा को आवाज दी। मीरा को देखते ही सुदर्शन की आंखें फटी रह गईं। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। मीरा अपने ससुर को पहचान गई। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई और उसका लेप श्याम सुंदर को लगाया। उसकी जान बच गई। जैसे ही श्याम सुंदर को होश आया और उसने अपने सामने मीरा को देखा तो, मीरा, तुम जिंदा हो, लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गया हुआ था तो कोई जंगली जानवर तुम्हें उठा कर ले गया था। ये बात सुनकर मीरा ने अपने ससुर की ओर देखा तो सुदर्शन ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर मीरा का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद सुदर्शन ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर श्याम सुंदर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब मीरा ने अपने पति से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।